जबलपुर में डिजिटल अरेस्ट का पहला मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने 6 घंटों तक एक सैलून कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट में रखा, मोबाइल से अश्लील वीडियो शेयर करने की धमकी दी और केस की फाइल तैयार होने पर 15 साल की सजा का डर दिखाकर पीड़ित से मोटी रकम ऐंठ ली। साइबर ठगों ने सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट करके रखा। सैलून कर्मचारी को अपराधियों ने पुलिस अधिकारी बनकर फोन किया था और सेक्सटॉर्शन संबंधी आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाने की धमकी दी थी। डीआईजी तुषारकांत विद्यार्थी ने पूरा मामला खुद हैंडल किया है और डीआईजी ने खुद को पीड़ित बताते हुए आरोपियों से बात करते करते पीड़ित से ट्रांसफर की गई रकम को फ्रीज कराया। डीआईजी ने ट्रांसफर रकम से 7,500 रुपए वापस भी करा लिए। तो डिजिटल अरेस्ट का पहला मामला जबलपुर में सामने आया है, सेक्सटॉर्शन का यह मामला है। यहां पर पुलिसकर्मी बनकर कॉल की गई, डर दिखाया गया और 15 साल की सजा का डर दिखाकर रुपए ऐंठे गए। तो करीब सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट रखा गया है। सुबह अपने सलोन पे था तो काम कर रहा था मैं, तो समय में पास एक कॉल आया तो वो अपने आप को पुलिस अधिकारी बता रहा था। उसने बोला कि मेरे नाम की ऑनलाइन रिपोर्ट आई है, कंप्लेन आई है। तो मैंने पूछा किस चीज़ की, तो उन्होंने बोला था कि कोई वीडियो वायरल हुई है। वो था कि इसका आपको जुर्माना लगेगा, तो 15 साल की नहीं तो सज़ा होगी आपको। तो मैंने बोला जुर्माना कितना रहेगा, तो उन्होंने बोला कि 14,000 लगेगा आपको पे किया, तो वो थी आधी फाइल तुम्हारी रुक जाएगी। रुकने के बाद उन्होंने पूछा कि बोले कि आधी जो फाइल रुकी हुई है उसको और कंप्लीट हो गई तो उसको और रुकवाना है मुझे, तो रुकवाने के लिए उन्होंने 24,000 और मांगा था मेरे से। मैंने अपने सर को फ़ोन लगाया था, ऑनर को फ़ोन लगाया था, उनसे पूछा तो मुझे शक होने लग गया थोड़ा सा। तो सर ने मेरे को DIG ऑफिस लेके गए, फिर वहाँ पर जाके उनसे कार्रवाई हुई तो फिर नॉर्मल। क्राइम का नाम है डिजिटल अरेस्ट, इसको लेकर ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है और जबलपुर में पहला मामला सामने आया है जिसको DIG इसको TK विद्यार्थी साहब ने हैंडल किया। वो लगातार पैसे की 14,600 के बाद 24,000 रुपये और डालने की बात कर रहा था और धीरे धीरे बोला था पैसे आप लोग डालते जाइए। तो मैंने उसको समझाया कि किस तरीके से आपको बात करनी है, उसको इंगेज करना है। और मीनवाइल हमने वो सारे नंबर जहाँ से इसके पैसे से अकाउंट ट्रांसफ़र हुए थे हम लोगों ने उसको एक्साइज करके और उसको सारे अकाउंट्स को फ्रीज करने के लिए जो हमारा cybercrime.gov.in का पोर्टल है उस पर तत्काल जो पोर्टल पे कंप्लेंट अपनी साइबर सेल के माध्यम से रजिस्टर करवाई और पता किया कि कहां कहां पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। तो उसमें 14,600 जो रुपए थे एयरटेल का एक वॉलेट बनाया गया था और उससे HDFC बैंक में और बड़ौदा बैंक में ट्रांसफ़र हुए। HDFC बैंक से अगेन पैसे ट्रांसफ़र हुए एक्सिस बैंक में और राजस्थान के ग्रामीण बैंक में। तो वो हमारा जो एक्सिस बैंक वाला 7,500 रुपये था वो तत्काल हम लोगों ने फ्रीज करा दिया तो वो पैसा इसको वापस मिल जाएगा। बड़ौदा बैंक में भी हमने एक्साइज कर ली है लेकिन अभी कन्फर्मेशन नहीं आया, मेरे ख्याल से वो पैसा अभी संभवतः बच जाए। और इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए हमारी टीम काम कर रही है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें फाइनल डायरेक्शन भी हमको हो जाए, आगे वो लोगों को ना इस तरह से छल सके और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंद्र।